खुरई के देहात थाना परिसर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियों ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर आश्रम की दीदी बीके किरण, बीके प्रीति, शहरी थाना प्रभारी रावेंद्र सिंह चौहान, देहात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह राजावत सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर दीदी बीके किरण ने बताया कि सरकार के आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के चलते प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा 75 स्थानों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के तहत खुरई में भी वृक्षारोपण किया गया। बताया कि मकसद यह है कि प्रकृति सभी की लापरवाहियों से रूठ गई है, उसको मनाने का यह एक प्रयास है। सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर प्रकृति को सुंदर बनाने में सहयोग प्रदान करें। खुरई से योगेंद्र सिंह गौर की रिपोर्ट। मकसद ये है कि आज़ादी महोत्सव का ये 75वीं वर्ष मनाया जा रहा है और यहाँ पर अपन लोग सभी प्रकृति के माध्यम से प्रकृति को भी अपन को, क्योंकि आजकल प्रकृति रूठ गई है, तो उसको भी बहुत मनाने के लिए तो हम सभी ने संकल्प किया है कि हर क्षेत्र में माना कम से कम 1000 वृक्षारोपण होने चाहिए, क्योंकि आज जगह जगह पेड़ पौधे काटे गए हैं तो वहाँ हरियाली पूरी ख़त्म हो गई है। तो प्रकृति भी चाहती है, जैसे मनुष्य चाहता है कि हमारे को प्रेम मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, तो वृक्ष भी हमारे को बहुत कुछ देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं और हरियाली भी देते हैं, छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं। तो इसके कारण उनका भी हमें विशेष ख्याल करना है, क्योंकि प्रकृति ही हमारी अभी वर्तमान समय में हमारे बहुत काम में आनी है। वनस्पति भी दवाइयों के काम में भी बहुत सारी चीज़ें आती है हरियाली के कारण से। और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से यहाँ थाने में हम सभी भाई बहनों ने मिलकर के आज वृक्षारोपण किया गया है और सभी देश विदेश में सभी जगह ये अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और 75 प्रोग्राम हम सभी लोगों को हर क्षेत्र में करना है, मतलब सारे वर्ग के करना है। वन 18 बीच से हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो वो सारे प्रोग्राम सभी जगह देश विदेश में सभी जगह बहुत धूमधाम से चल रहे हैं। ओम शांति।